हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। माय सेल्फ गुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीबी शैली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके आंसर भी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीबी शैली बिलोंग्स टू द लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, लेटर जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोइट्स, अर्लियर जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोइट्स या अर्लियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल स्पैन ऑफ शेलेज लाइफ वॉज अबाउट। द टोटल स्पैन ऑफ शेलेज लाइफ वॉज अबाउट 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स या 41 ईयर्स। इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेले वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिक्स, द मास्क ऑफ एनर्जी, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम या हेलास। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेले एन ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड, सेकेंड है जॉन रस्किन, थर्ड है चार्ल्स लैम और फोर्थ है हेजली। इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड। हु कॉल्ड शेले, क्वेश्चन को एक बार और सुन ले, हु कॉल्ड शेले एन ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. तो ये बात कही थी मैथ्यू अर्नोल्ड ने पीबी शैले को। नेक्स्ट है, एडोनाइस इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, बैरन, स्कॉट या साउथ है। एडोनाइस जो है एक पेस्टोरल एलिजी है जो किसकी डेथ पर लिखी गई थी, ये लिखी गई थी कीट्स की डेथ पर। अगला प्रश्न है, शेलेज डिफेंस ऑफ पोएट्री इज ए रिजॉइंटर टू लव पिकक्स, द फोर एजेस ऑफ पोएट्री, बैरेंस इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉट रिवीवर्स, सिडनीज अपोलॉजीज फॉर पोएट्री या नॉन। इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लव पिकक्स, द फोर एजेस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलीज डेथ वॉज कॉज्ड बाय ड्राउनिंग, कंसम्पशन, फाइटिंग या पॉइजनिंग। शेली की डेथ कैसे हुई थी, डूबकर, कंसम्पशन से हुई थी, फाइटिंग से हुई थी या पॉइजनिंग से हुई थी। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ड्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ फैड but doth suffer a sea change into something rich and strange. Option first है from Ariel's song in the tempest, b from Milton's Lycidas, from Gray's elegy या from Spencer's Astrophel. तो ये जो lines है, nothing of him that doth fed but doth suffer a sea change into something rich and strange. ये जो है, ये lines जो है, ये from Ariel's song in the tempest से लिया गया है। Next है, life like a dome of many colored
glass stands the white radiance of an eternity until death tramples it. Option first है Hellas, second है Adonis, third है Alastor और fourth है the Sensi. तो इसका है ऑप्शन फर्स्ट Hellas. We look before and after and pine for what is not. Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. To a skylark lament or to best mind love's philosophy. तो ये है ओड टू वेस्ट माइंड. देखिए अगर किसी भी व्यूवर्स को लग रहा है कि मेरे बताए गए जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या है और आंसर के साथ साथ अपने एक्सप्लेनेशन भी दें और ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं. नेक्स्ट है रिफरिंग टू एडोनिस, शेले सेड आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डेस्ट्रॉयर. Who are these destroyers? First option है the editors of both Quarterly Review and Blackwood's Magazine. The editors of Blackwood's Magazine या the editors of Quarterly Review या नहीं. तो इसका option number first. देखिए अगर किसी को भी लग रहा है कि अब मेरा आंसर गलत है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट है टू हु इज शेल इज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड. जेन चेयरमोंट, मैरी गॉडविन, विलियम गॉडविन, हैरियट वेस्ट ब्रॉक. तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेन क्लेयरमोंट. नेक्स्ट है टू हु इज शैली इज द सेंसी डेडिकेटेड. ले हंट, जो बीबी शैली की जो सेंसी है ये डेडिकेट की गई है ले हंट को. नेक्स्ट है वट काइंड ऑफ प्ले इज द सेंसी. सेंसी किस तरह का प्ले है तो वो एक ट्रेजिडी है. हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज प्ले प्रोमेथियस अनबाउंड. तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि फोर एक्ट्स. तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने ओनली 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ. कुछ जो है अर्जेंट काम की वजह से, लेकिन अब मैं वीडियोज लाती रहूंगी. तो आप चैनल पर बने रहिए, कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो कैसी जा रही है. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी. अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को करते रहिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.